हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सैनिक क्लासेस। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है सैनिक क्लासेस में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि सेंट्रल हिंदू स्कूल की प्रवेश परीक्षा का फॉर्म रिलीज कर दिया गया है। आप लोग उसे अप्लाई कर सकते हैं, जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में है, सेंट्रल हिंदू स्कूल। ठीक है, तो मैं इसके अंतर्गत मैं बता देता हूँ क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए और कौन कौन से क्लास में आप परीक्षा दे सकते हैं, किस किस क्लास में आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो क्लास सिक्स के लिए ये एडमिशन प्रक्रिया होगी, क्लास नाइन्थ के लिए और इलेवेंथ के लिए। ठीक है, तो जनरल और ओबीसी का फीस स्ट्रक्चर रहेगा ऑनलाइन का 400 रुपया, और वहाँ एससी और एसटी के लिए बात किया जाए तो ऑनलाइन अप्लीकेशन का फीस 200 रुपये रहेंगे। पेमेंट आप किसी भी मोड से कर सकते हैं, पेमेंट थ्रू फीस क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ई चलान, फी मोड। ओके, और यह अप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर दिया गया है 1 अप्रैल 2022 को, और इसका लास्ट डेट है 30 अप्रैल। 30 अप्रैल मात्र 30 दिनों का ही है, 30 दिनों के अंतर्गत ही आप लोग फॉर्म को फिल कर लीजिए। जो भी विद्यार्थी इच्छुक हैं, जो एडमिशन लेना चाहते हैं सेंट्रल हिंदू स्कूल में, तो वह इस परीक्षा में सम्मिलित हों। स्पेशली क्लास सिक्स वालों का एंट्रेंस एग्जाम होता है और क्लास नाइन्थ का भी, लेकिन इलेवेंथ का जो होता है यह मेरिट बेस्ड होता है। इसमें मेरिट के आधार पर, क्लास टेंथ के मेरिट के आधार पर इलेवेंथ में एडमिशन लिया जाता है। ठीक है, और एग्जाम डेट का नोटिफिकेशन जल्दी ही आप लोगों को नोटिफाई किया जाएगा, और एडमिट कार्ड आपका अवेलेबल होगा मई में। जुलाई के आसपास में एडमिशन प्रक्रिया पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, और क्लास सिक्स में उनकी एज कितनी होनी चाहिए, 10 से 12 वर्ष के बीच में उनका एज होना चाहिए, और एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, उनकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, क्लास फाइव पास होने चाहिए। ठीक है, क्लास फाइव पास होने चाहिए तभी वो क्लास सिक्स में एडमिशन ले सकते हैं। जिनमें नंबर्स ऑफ गर्ल्स का सीट है 90, और उसी तरह उसमें बॉयज भी पढ़ते हैं और गर्ल्स भी पढ़ती हैं, तो उनके लिए भी 90 सीट्स हैं। और क्लास नाइन्थ के लिए बात किया जाए तो इनका 13 से 15 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ठीक है, क्लास 13 से 15 की आयु होनी चाहिए, और क्लास 8 ये पास होने चाहिए, क्लास 8 पास होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर गलती से लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पर क्लास 8 पास होने चाहिए, जिनमें नंबर ऑफ सीट्स गर्ल्स के लिए है 100 और बॉयज़ के लिए 11 है। ठीक है, उसी प्रकार मैथ्स वाले भी ले सकते हैं भाग, बायोलॉजी वाले भी, कॉमर्स वाले भी, आर्ट वाले भी, इन लोगों के लिए भी सीट स्पेसिफाई कर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। और जैसे ही यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे, आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है, और यहाँ से आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या, देखिए यहाँ पर दिया गया है कि बिफोर अप्लाइंग कीप द फॉलोइंग आइटम्स इन योर हैंड बिफोर अप्लाइंग। ईमेल आईडी आप लोगों का तैयार होना चाहिए, मोबाइल नंबर तैयार होना चाहिए, स्कैन फोटो ऑफ कैंडिडेट, मतलब जो विद्यार्थी फॉर्म भर रहे हैं उनका फोटो होना चाहिए स्कैंड में, जो कि 100 KB से कम होना चाहिए। ठीक है, और उनका सिग्नेचर होना चाहिए, पेरेंट्स का सिग्नेचर होना चाहिए, और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड होना चाहिए। ठीक है, जिससे पेमेंट आसानी से किया जा सके। यहाँ पर अपना आप ईमेल फिल करेंगे, मैं जूमिंग कर देता हूँ थोड़ा। ठीक है, हाँ, यहाँ अपना ईमेल आईडी फिल करेंगे, यहाँ पर अपने से पासवर्ड बनाएंगे, पासवर्ड क्लिक करेंगे, यहाँ पर पासवर्ड भरेंगे, अगेन यहाँ पर ही अगेन पासवर्ड क्लिक करेंगे, फिर अपना नाम भरेंगे, जो मिडिल का नाम होगा मिडिल नाम भरेंगे, फिर लास्ट नेम भरेंगे, फिर DOB अपना भर लीजिएगा, यहाँ पर मेल हो या आप तो मेल भर लीजिए, या फीमेल है तो फीमेल भर लीजिए, फादर्स का नेम, मदर्स का नेम, एड्रेस भरिए। ठीक है, मोबाइल नंबर भर दीजिए, उसके बाद साइन अप क्लिक करिए। अब वहाँ से आप लोगों का डाटा मांगेगा, फोटो मांगेगा, सिग्नेचर मारेगा। ठीक है, तो जो विद्यार्थी इच्छुक हैं वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी पूरे जोर शोर से चल रही है, आप लोग रात को 8 बजे, शाम को 8 बजे जरूर भाग लें, और मॉक टेस्ट भी किया जा रहा है। ठीक है, तभी तक जिन विद्यार्थियों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लेंगे, और किसी भी प्रकार की कोई अपडेट देनी होती है तो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आसानी से अपडेट दिया जा सकता है। यूट्यूब पर बहुत समय लग जाता है, इसलिए अपडेट देने में परेशानियां हो जाती हैं, तो
तो कृपया करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी तक जिन विद्यार्थियों ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सैनिक क्लासेस को, वो सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जब भी वीडियोस या लाइव क्लासेस चलाई जाएँ तो इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत प्रदान हो जाए। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं और जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और वह लेक्चर हमारा होगा मैथ से रिलेटेड रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि अनुपात और समानुपात से क्वेश्चन हम लोग ट्राई करेंगे। और जो भी क्वेश्चन हम लोग लगा रहे हैं समझ लीजिए वो 100% उसी टाइप के क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन उसी प्रकार का आएगा। तो लेक्चर को मिस नहीं करिए, यदि सिलेक्शन लेना है तो आपको तो मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो आज के वीडियो सेशन में इतना रहने देते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।